जज साहब ने मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी, मुझे बुलाया नहीं गया, मेरे से फ़ोन पे कोई बात नहीं हुई। इसके कारण चौधरी अजीत सिंह जी बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किस कारण से मुझे निष्कासित किया। मैं ये कह सकता हूँ इस हालात को देखते हुए कि चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने लोकसभा और उपचुनाव लड़ने के लिए मुझे राजनीति मोहरा बनाया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास में मैं रमाला शुगर फैक्ट्री के विस्तारीकरण को लेके गया, उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, विस्तारीकरण मंजूर हुआ, यहाँ पर शिलान्यास के लिए आए। प्रोटोकॉल के तहत रमाला मेरा गांव है, रमाला शुगर फैक्ट्री मेरे गांव में है, प्रोटोकॉल के तहत मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे वहाँ जाने के लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने रोका।